नून लीग का परवेज इलाही के मुकाबले में मुत्तफिका उम्मीदवार लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए हलीफ जमातों से राबते शुरू कर दिए हैं। नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इतवार या पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। जी भट्टी साहब बताइए। जी, ये फैसला जो है अभी तो इतवार या पीर को होगा, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने भी जो है अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अगर चौधरी परवेज इलाही जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनकी हलीफ जमातों के पंजाब असम्बली में स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे, उनके मुकाबले में कोई ऐसा उम्मीदवार लाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो, इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो चार आजाद अराकीन है उनसे भी मुशावरत की जा रही है। और इसके साथ साथ जो हलीफ जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में, उनसे भी मुशावरत की करके जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से सदर मुस्लिम लीग नून जो है शहबाज शरीफ, वो आज या कल के अंदर जो है यानी आइंदा 24 घंटे में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क्यादत से भी राबता करेंगे और उनसे भी जो उनके 6 रुक अराकीन है उनसे भी बातचीत होगी कि हो सकता है कि उनमें, और लेकिन ये बात तय है कि ये इस मरतबा जो कुरा है वो जनूबी पंजाब के नाम ही निकलने की उम्मीद की जा रही है कि स्पीकर जो है वहां से लाया जाए और डिप्टी स्पीकर जो है वो सेंट्रल यानी पंजाब से यानी पिंडी या इस तरह का कोई इजलास सरगोधा या मियांवाली के इजलास से या कहीं से और से लिया जाए ताकि जो है तमाम पंजाब को कवर किया जा सके। इस हवाले से अभी जो है सलाह मशवरा जारी है, मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और फोनों पर रबते जो है वो भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है इतवार या पीर वाले दिन जो है वो उस नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इतवार या पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, तफसीलात से आगाह किया।